हेलो गाइस, दिस इज़ स्वाति और मेरी मोस्ट अवेटेड टीवी सीरीज़ द पेरिफेरल के 2 एपिसोड मैंने देख लिए हैं, जो अमेज़ॉन का काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट था। और मैं शेयर करूंगी अपना एक्सपीरियंस और आप डिसाइड करेंगे कि आपको देखना है या नहीं देखना है। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए आए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब, और अगर अपने पुराने व्यूअर हैं तो लाइक करके जाइएगा। सो अबाउट पेरिफेरल, अगर आप साइंस फिक्शन में ज़रा सा भी इंटरेस्टेड हैं और ये जानना चाहते हैं कि क्या रेवोल्यूशनरी, क्या ट्रेंडिंग है यहाँ पर, तो ये टी वी सीरीज़ आपके लिए है। बिकॉज इसमें हेप्टिक सूट से लेकर AI बेस्ड साइबर, क्वांटम टनलिंग और न जाने कितनी चीज़ें दिखा दी गई हैं। यहाँ पर जो बहुत अच्छी चीज़ दिखाई गई है वो है कि माइंड को टाइम ट्रैवल करा रहे हैं क्वांटम टनलिंग के थ्रू। पार्टिकल घोस्टिंग जो होती है वो यहाँ पर यूज़ हो रही है और वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी है। सो यहाँ पर जो स्टोरी है बहुत टाइट निटेड है। यहाँ पर 2 सिबलिंग हैं, फ्लिन और बर्टन नाम के, जो अपनी मदर की देखभाल कर रहे हैं। उनको कोई बीमारी है। जो बर्टन है वो प्रोफेशनल गेमर हैं, उनको हायर किया जाता है अलग अलग गेम की टेस्टिंग के लिए। देन जो फ्लिन है वो हायर नहीं की जाती है, क्योंकि इस वर्ल्ड में जो ये टाइम जोन दिखाई गई है 2032 की, इस समय भी वीमेन को एज अ प्रोफेशनल गेमर हायर नहीं किया जाता है। जबकि उनकी इंस्टिंक्ट ज़्यादा अच्छी हैं और वो बहुत अच्छा खेलती हैं बर्टन से ज़्यादा। वो बार बार उसकी हेल्प भी लेते हैं। अब यहाँ पर बर्टन को एक गेम की बीटा टेस्टिंग के लिए हायर किया जाता है, जो कि फ्लिन, जिसको शुरू करती है गेम खेलना। और जब वो उस चीज़ को में अंदर जाती हैं गेम में, तो उनको ऐसा लगता है कि ये गेम नहीं है, बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक। जबकि उस समय हैप्टिक सूट थे ऑलरेडी 2032 में, अलग अलग पर्पस के लिए लोग यूज़ करते थे। अब यहाँ पर जो फ्लिन है उनको बहुत ज़्यादा रियल एक्सपीरियंस होता है और गेमिंग जैसा नहीं होता, बिल्कुल रियल रखता है। और धीरे धीरे पता भी चलता है कि ये जो चीज़ है ये गेम नहीं है, यहाँ पर ये टाइम ट्रैवल कर रही है। और वो वर्ल्ड है 2099 का। यहाँ पर 2 पार्टीज़ होती है, एक रशियन मॉबस्टर होता है, गैंगस्टर होता है वो, और जिस जो वेल्फ के थ्रू उनसे कॉन्टैक्ट करता है, और एक दूसरी लेडी जो बहुत मिस्टीरियस सी दिखाई गई है वो इनको इन्फ्लुएंस कर रही है। अब ये दोनों एक दूसरे के एंटी है, और जो लेडी मिस्टीरियस ही है वो RI के लिए काम करती है। ये सब क्यों फ्लिन के ही पीछे पड़े हुए हैं, ये अभी तक मिस्ट्री है। 2 एपिसोड्स में नहीं पता चला है क्या जो फ्लिन है ये किसी तरीके से कनेक्टेड है उस लेडी से, या फिर जो फ्लिन है ये क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि और बहुत सारे गेमर होते हैं, इसी को क्यों, इनकी ही फैमिली को क्यों सिलेक्ट किया गया है, और आगे क्या होगा, जो सारी चीज़ों में हो रहा है क्या चेंजेस हो जाएंगे। क्योंकि एक स्टब भी क्रिएट हो जाता है, अगर कोई फ्यूचर से पास्ट में किसी से कांटेक्ट करता है तो एक पैरेलल जो है टाइमलाइन क्रिएट हो जाती है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें देखने में बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगी। फर्स्ट 2 एपिसोड मेरे ट्रायल थे, सभी के होंगे, कि आखिर होगा क्या, स्टोरी ठीक से प्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं। और क्योंकि इसके क्रिएटर्स तो वेस्टवर्ल्ड के क्रिएटर्स हैं, तो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था और वेट भी इसीलिए था। एंड जोनाथन नॉलन ने बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया है इसमें। सो आई एम ईगरली वेटिंग टू वॉच रेस्ट ऑफ द एपिसोड्स। और जब मैं सारे एपिसोड्स अब देख लूँगी तब उसका रिव्यू बनाऊँगी, आपका अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। अगर आप गेमिंग के फ़ैन हैं, साईफाई के फ़ैन हैं, और इस समय क्या साइंस वर्ल्ड में चल रहा है उससे कनेक्टेड हैं, तो आपने अभी तक ये सीरीज़ ज़रूर देख ली होगी। आप प्लीज़ नीचे कमेंट करके जाइएगा, मुझसे भी पहले देख ली होगी, और कमेंट करके जाइएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। दैट्स इट, बाय बाय।